भागलपुर के प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति सह बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के समीक्षा भवन पहुंचते ही राजद के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कई योजनाओं को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों से समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान केंद्र से संचालित योजनाएं और राज्य से संचालित योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई। साथ ही उनकी त्रुटियों को देखते हुए उस पर जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश दिया गया। जिन विभागों का कार्य धीमी गति से चल रहा है उन्हें त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उत्पाद विभाग के कर्मियों को भी उन्होंने अच्छे काम करने को लेकर सराहना की। सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत शाहकुंड में एक पुलिया में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर काफी तेवर में मंत्री दिखे। उन्होंने कहा कि जल्द इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। समीक्षात्मक बैठक कार्यक्रम के दौरान बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, भागलपुर सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, जिला परिषद के अध्यक्ष टुनटुन शाह के अलावे कई योजना से जुड़े दर्जनों इंजीनियर, ठेकेदार व पदाधिकारी मौजूद रहे। त्रुटियां और कार्रवाई दोनों में बहुत अंतर है। त्रुटियां यह दिखती है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी कि नहीं, किसी योजना का क्या लक्ष्य था वो नहीं अगर प्राप्त हो सका तो जल्द से जल्द उसको पूरा कर दिया जाए, यही होती है। तो जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी उसको जिला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में जल्द से जल्द उस काम को पूरा किया जाएगा। जहाँ पे कुछ दिखा कि यहाँ पे यह जांच का विषय है, अब जैसे एक मामला संज्ञान में आया, जिला परिषद चेयरमैन ने कहा कि भाई कहीं पर कोई पुल डैमेज हो गया है, तो उसको हुआ कि पूरा जांच कराएंगे और अगर सही में वह पुल डैमेज हुआ है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर FIR होगा, जो हमारा प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होगी। तो यही सब होती है त्रुटियां, और कोई त्रुटियां मतलब कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद ब्राह्मण टोला के प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के अपहरण के 10 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी डीलर का शव बरामद नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों द्वारा पूरे सुल्तानगंज बाजार, दिलगौड़ी मोड़, अब्जुगंज बाजार को शांतिपूर्ण बंद कराया गया। इसको लेकर सैकड़ों दुकानदारों ने प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के परिजन एवं ग्रामीणों को समर्थन देते हुए अपनी अपनी दुकानों को स्वतः बंद रखा। इस दौरान प्रदर्शनकारी लोगों और स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि पुलिस प्रशासन को प्रॉपर्टी अमित झा का शव बरामद करते हुए परिजनों को सौंपा जाए, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल, महिला पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। साथ ही सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में भी RPF व GRPF भी मुस्तैद देखे गए। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के परिजन एवं ग्रामीण सहित दुकानदार मौजूद थे। प्रशासन की लाचारी है और अकर्मण्यता है, क्योंकि आज कोई किसी का बच्चा मारा गया है और अभी तक लाश मतलब का कोई खोज खबर नहीं है। जनता में धीरे धीरे आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आज ये घटना अगर अमित झा के साथ हुआ है ये किसी और के साथ भी हो सकता है। ये हमें सभी सुल्तानगंज वासियों को इसमें शामिल होकर इस घटना की निंदा करनी चाहिए। ये जो हुआ है बहुत जघन्य हत्या हुआ है। यह सभी पब्लिक का समर्थन कर रहे हैं, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। लास्ट तक नहीं बरामद, ये एकदम लास्ट तक बरामद नहीं हुआ है। लास्ट बरामद होना चाहिए, हुआ है जघन्य हत्या। सभी सुल्तानगंजवासी एकदम इसका सख्त विरोध करती है और होना चाहिए। प्रशासन को जल्द से जल्द, प्रशासन जो है लापरवाही कर रही है, उसको खोजबीन में लापरवाही कर रही है। आज किस लिए बाजार बंद है? आज प्रॉपर्टी डीलर जो अमित कुमार खा का जो अपहरण हुआ है, जो प्रशासन ने कहा था कि मृत्यु हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, सब अभी तक क्यों नहीं बरामद हुआ? इसके लिए हम लोग बिहार सुल्तानगंज मार्केट बंद किए हुए, पूरा बाजार बंद है। पूरा बाजार बंद, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। क्या उनकी शव की बरामदी होनी चाहिए? होनी चाहिए, इसी के लिए होनी चाहिए। और अपराधियों की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्थित प्रसिद्ध अजगैवीनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान बांका सांसद गिरधारी यादव, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, अखिल भारतीय धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज सहित अजगैवीनाथ मंदिर के पुरोहित और पंडा मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने पुरोहित से अजगैवीनाथ मंदिर के प्रांगण के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पुरोहितों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए सारी समस्याओं का निदान बांका सांसद गिरधारी यादव और सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के द्वारा निदान कराए जाने की बात कही। वहीं सांसद गिरधारी यादव और विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने कहा कि अजगैवीनाथ मंदिर में हरिद्वार के तर्ज पर गंगा घाट बनाया जाएगा, इसकी तैयारियां की जा रही है और बहुत जल्द गंगा घाट का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही बांका सांसद गिरधारी यादव द्वारा अजगैवीनाथ गंगा घाट में जगह चिन्हित कर हाई मास्ट लाइट भी लगाए जाने की बात कही गई, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में कोई परेशानी न हो। बैठक के बाद सांसद गिरधारी यादव, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, भारतीय धर्मरक्षणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज सहित पुरोहित समाज के लोगों ने अजगैवीनाथ मंदिर गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया। सर, क्या एजेंडा बनाया गया? एजेंडा पहले से बना हुआ है, सब काम चालू है, उसी का हम लोग देख रहे हैं कब से शुरू होगा। कुछ समस्या था उसका, हम लोग ने अधिकारी पदाधिकारी सबको बोले कि उसको दूर करके काम शुरू करवाइए। क्या क्या सर होना है? मैप में है, सब देख लीजिएगा, विधायक जी बता दें। जैसे कि उधर नमामि गंगे के तर्ज पर इधर भी बनना है, वो उसी ढंग से श्री घाट टाइप का बनेगा, जिससे कि जो आएंगे यहाँ श्रद्धालु उनको सुविधा होगी गंगा स्नान करने में और बाबा को जल चढ़ाने में असुविधा नहीं होगा, इसकी व्यवस्था हो रही है। और यहाँ पर डिमांड किया गया था लाइट का, जो सांसद महोदय ने हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था की गारंटी कर दी है। उनका एक महाधिवेशन हमारा 17 तारीख को देवघर में आयोजित है, जहाँ भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, जितने भी तीर्थस्थल हैं, वहाँ के तीर्थ पुरोहित वहाँ एकत्रित होंगे और वह हमारा एक सम्मेलन है, वहाँ अपने बातों को लोग रखते हैं और वहाँ से जो है उनका निदान किया जाता है। उनके लिए यहाँ एक बैठक थी आपस में और यहाँ के निजी, यहाँ के हमारे सांसद और विधायक, हमारा जो मूलभूत समस्या यात्रियों के स्नान करने में जो दिक्कत आती है, बैरिकेटिंग, लाइटिंग, पानी, शौचालय। 1 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में मनाए जाने वाले विश्व एड्स दिवस को लेकर पिछले एक सप्ताह से भागलपुर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। आज आखिरी दिन विश्व एड्स दिवस पर नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सदर अस्पताल से रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली अस्पताल से निकलकर घंटाघर, आदमपुर, मनाली चौक, कचहरी होते हुए सदर अस्पताल में आकर समाप्त हुई। सिविल सर्जन ने बताया कि एड्स को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता को लेकर 25 नवंबर से कार्यक्रम किया जा रहा है और आज रैली निकाल कर लोगों के बीच एड्स से बचने और उनके लक्षणों के बारे में आम लोगों को बताया गया। ये अभी एड्स सप्ताह, एचआईवी सप्ताह मनाया जा रहा है, 25 से लेके आज अंतिम दिन है, तो इसमें ये लोग जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और पीएसई स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया है। वहाँ भी हाँ कार्यक्रम, वहाँ कुछ जांच कार्यक्रम चलाए गए हैं और यह मेन उद्देश्य है कि इसके प्रति जागरूक लोगों किया जाए। और जहाँ तक बात है, पहले से तो काफ़ी जागरूकता आई है और कम भी केसेस भी कम हुए हैं, जिस तरह पहले बढ़ रहा था हम लोग सुनते थे, ये अब धीरे धीरे लोग भी जागरूक, हाँ अब लोग जागरूक हो गए हैं और हम लोगों को आशा है कि ये अब धीरे धीरे ये खत्म, रोग खत्म होगा। भागलपुर के विहान केयरन सपोर्ट संस्थान की ओर से बिहार नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स सोसाइटी द्वारा विश्वास, देखभाल और सहायता के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ने वाली संस्थान के द्वारा विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर प्रभात केसरी,
डॉक्टर विजय कृष्णन, युवा समाज से विजय यादव ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। बिहार केयर एंड सपोर्ट संस्थान की ओर से आज के विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य पर गरीब परिवारों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया एवं बच्चों के बीच पढ़ाई लिखाई से संबंधित पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिहार नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद HIV एड्स सोसाइटी के निदेशक पूजा कुमारी ने इस रोग से बचाव एवं रोकथाम के बारे में लोगों को बताकर जागरूक किया। संस्थान का मूल मंत्र है विश्वास, देखभाल और सहायता। कार्यक्रम के दौरान अमित चंदन, अमित कुमार, मोहम्मद अजमेर, विपिन, अविनाश, ब्रजेश के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, ये BNP प्लस है, हमारा संस्था का नाम है बिहार नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद HIV एंड एड्स सोसाइटी। उसके थ्रू हम लोग बिहार केयर सपोर्ट सेंटर में आते हैं। हमारा CSC है विश्वास, देखभाल और सहायता केंद्र। इसमें हम लोग जितने भी क्लाइंट्स हैं उन लोगों को जो भी सरकारी योजना का है उन सभी का हम लोग लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका परवरिश योजना हो गया, शताब्दी योजना हो गया, तो उन लोगों का जैसे परवरिश योजना में ज्वाइंट अकाउंट या मैनेज अकाउंट नहीं खुलता है, उनकी परेशानी को हम लोग दूर करते हैं। एड्स दिवस पे क्या हो रहा है? आज हमारा एड्स दिवस है जो 1 तारीख को हर साल मनाया जाता है, और उस पर हम लोग अभी जो हमारे युवा सेवक जो हैं वो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन लोगों को जो भी क्लाइंट्स आए हुए हैं हमारे यहाँ, उन लोगों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी बच्चे हैं उनको स्टेशनरी का सामान उनके थ्रू दिया जा रहा है, और जो भी और कार्यक्रम है जो भी है वो सब हमारे संस्था के थ्रू हो रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज के गनगनिया पंचायत में लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, गनगनिया मुखिया रजनी देवी और स्वच्छता मिशन के पदाधिकारी अमृता सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, लोहिया स्वच्छता मिशन के पदाधिकारी अमृता सिन्हा और गनगनिया मुखिया रजनी देवी ने बताया कि गनगनिया पंचायत की 15 वार्ड में स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में गीला कचरा एवं सूखा कचरा रखने के लिए डस्टबिन दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत के प्रत्येक वार्ड में 2 सफाई कर्मियों को लगाया गया है, जो वार्ड 15 के हर घर से कचरा उठाकर उसे गांव के बाहर सुरक्षित स्थान पर जमा किया जाएगा। इस दौरान गनगनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल, वार्ड 10 शांति देवी, हंसी देवी, केदार मंडल, पंचायत सचिव राकेश कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक संतोष कुमार, रवीश कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।